क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन रहा है, वाटर वेपर है, सब गैस में चल रहा है। हमने एक जनरल रिएक्शन लिख ली कि अगर H2O2 रिएक्ट करेंगे तो H2O बनेंगे। देखिए बैलेंस कैसे की हमने, H2O2 ने रिएक्शन करी और H2O बना, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन है एटम, दो ऑक्सीजन एटम इधर कितने, एक ऑक्सीजन का एटम है। हमने यहाँ क्या कर दिया, दो से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, दो हो गए। हाइड्रोजन कितने, इधर दो हैं, इधर कितने हो गए, 2 to the 4। तो इसको हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। कह रहे हैं वेपर बन रही, तो हमने सब क्या कर लिया, गैस कर लिया है, डाइहाइड्रोजन गैस, डाइऑक्सीजन गैस। अब देखिए कह रहे हैं 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन है और 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, कितने वॉल्यूम वेपर वाटर वेपर के बनेंगे। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है, अभी लीटर ml ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम सिर्फ बता रहे हैं कि इतना इतना वॉल्यूम है। तो इस रिएक्शन को हम देख के पता चल रहा है कि अगर हम 2 वॉल्यूम लें H2 का, तो ये रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम O2 से और 2 वॉल्यूम H2O वेपर बनाएगा, ठीक। अगर हम 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन कर दें, यानी जो हमने H2 लिया इसको 10 वॉल्यूम कर दें, तो इसको हम 10 कब कर सकते हैं, तो हम इसको 10 इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसको क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा ये, 5 to the 10 H2 प्लस 5 O2 गिव्स 5 to the 10 H2O। ये कह रहे थे कि 10 वॉल्यूम H2 है, रिएक्ट करती 5 वॉल्यूम, तो हमने 5 वॉल्यूम O2 भी है, रिएक्ट करती डाइऑक्सीजन गैस से। हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस, कितने वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे, 10 वाटर वेपर क्या होंगे, हमारे वाटर वेपर के वॉल्यूम 10 होगा, वो प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आओ, इजी था क्वेश्चन, थैंक यू।